हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, आज मैं अपने भैया से इजाजत लेके आई हूँ। व्यावान जंगल शिकार खेलने जाऊंगी, शिकार खेलती हूँ, उसके बाद फिर अपने हवेली वापस चली जाऊंगी। आज तुम यहाँ कैसे? भगवान के भेजे हुए दूत हैं। अरे तुम्हारे भाई जान ने भेजा है मुझे, मेजे। मेरे भैया ने भेजा है? किस लिए? कहा हमारी बहन अकेली गई है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो जाए जंगल में, इसलिए तुम हमारी बहन की हिफाजत के लिए जाओ। हिफाजत के लिए आए हो? चलो ठीक है, अगर मेरे भैया ने भेजा तो ठीक है। ठीक है, चलिए चले चलो, चाहे जो भी कहे चलो। हर कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए। बागों में झूलो के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। इस देश की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। आकर इस मिट्टी को चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। कि माना तेरे हैं कुछ सपने, पर हम तो हैं तेरे अपने। जाने वाले तुझको मेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुला। सिपाही वो देखो शिकार आ रहा है, मैं मार डालूंगी। मारो गोली। सिपाही जी। सर जी, मैंने तो गोली रीच के ऊपर चलाया था। हाँ भैया, लेकिन लगता है कि इन लोगों के ऊपर तो मैंने वार नहीं किया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जरा इस लड़की के देखो, कहीं जख्म तो नहीं हुआ है? इनके दोनों के डरिए नहीं, डरिए नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये भी मर गया, इसके गोली लग गई है मुझे लगता है। सोचने वाली बात तो ये है भैया कि आपने गोली रीच के ऊपर चलाया और ये कैसे मर गया। उसे भी देखो, कहीं चोट तो नहीं लगी है? नहीं, रीच ने घायल कर दिया हो। ओ भाई भाई, उड़ो। अरे गोली जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। ओ जिंदा है अभी? जिंदा नहीं, मरे हैं यार। मरे मरे? अरे कैसे मरे हो? गोली लग चुकी है। अरे भाई, गोली तुम्हें नहीं लगी, गोली रीच को लगी है। हमें गोली नहीं लगी। तुमको गोली नहीं लगी है? गोली लगी है यार। अरे कहाँ गोली पे लगी है? असर कर रही धीरे धीरे। कहाँ असर कर रही? गोली लगी कहाँ है? सर पे लगी है? उन्हें घुआ नहीं लगा। फिर क्या, तेरे नाक पे लगी है? घुआ नहीं लगा। फिर क्या, तेरे मुंह में लगी है? वो नहीं लाग। फिर क्या, तेरे सीने पे लगी है? वो नहीं लाग। फिर क्या, तेरे पेट में लगी है? फिर क्या, गोली तेरे यहाँ लगी है? बस हुआ ही लगे हैं। गोली तुझे नहीं लगी है, गोली गोली रीच को लगी। गोली रीच के लगी है। गोली नहीं, कहा कटहल लाग है। कटहल नहीं, बड़हर। हम मर मर के जिंदा हुए हैं। कैसे भैया, तुम्हें कहाँ गोली लगी है? गोली लग गए, अब बचब ना। अरे गोली नहीं लगी तेरे? मार के जी, गोली असर कर रही यार, धीरे धीरे जा। अरे तुम्हारे गोली नहीं लगी है? गोली नहीं लग। कहाँ लगी है गोली? गोली नहीं लग। अरे मैं कहता हूँ गोली तुझे नहीं लगी है। तो देखो गोली लाग। अरे अरे हम उस गोली की बात नहीं करते हैं। क्यों इस बियाबान जंगल में और निहत्थे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? निहत्थे नहीं थे भाई जान, तो हथियार था यार। क्या हो गया? हम लोग आगे को देख रहे, साला पीछे से आ गया और हथियार हम लोगों का छीन लिया। ये तो वक्त पर आ गया, आप लोग गोली चला दिए। तुम्हारे हथियार लिए बेकार है।
हथियार, अरे गोली चला देना था, हथियार बदल दे, हथियार कमजोर होगा। ये तो अच्छा हुआ, हथियार कमजोर है, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग शिकार खेलते हुए इसी जंगल की तरफ आ गए। भगवान ने भेजा है, अगर कहीं दूसरा रास्ता पकड़ लेता तो ये रीछ तुम दोनों को खा जाता। खा जाता भाई, तुम्हारा एहसान है भैया। सिपाही, हम लोग शिकार खेलने के लिए भी आए थे। क्यों नहीं भैया, दो शख्स की जिंदगी भी बच गई और शिकार भी मुझे मिल गया। क्यों नहीं भैया, इसलिए उठाओ इस शिकार को और हम लोग यहाँ हवेली लेकर चलते हैं, और पिताजी जब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत खुश होंगे कि आज हमारा बेटा पहली बार शिकार खेलने के लिए गया है और शिकार मार कर लेकर। क्यों नहीं भैया, भैया ये हमारा सामान पकड़ो, हम ये रीछ का उठा के ले चली हवेली। तेरा सामान पकड़ो, अरे बंदूक यार, ऐसे बोलता है। लो भैया, अब मैं इसे उठाकर आपके पिताजी के पास ले चलता हूँ। और हाँ, तुम लोग, तुम इसे उठाइए, तुम लोग भी। अब अगर जंगल घूमना है तो होशियारी के साथ घूमना। नहीं, घूम के भी आ गए भाई, अपना घूम, अब अपना हथियार उठा। हाँ। उठाओ अपना, ये तुमका जरूरत हो हथियार के हमारे ले लियो। नहीं, हमारे पास है तो हमारे लिए हथियार है, डबल हथियार। अरे उस हथियार की बात नहीं करते, अपनी गन उठाओ। तेरा हथियार बेकार, हमारा ले ले। तेरा तेरा हथियार काम नहीं कर रहा। हाँ। बाबूजी, आपका लाख लाख धन्यवाद। बाबूजी, लाख लाख धन्यवाद भैया। ये किसका है? बन करके तुम चक्रधर, बचा ली मेरी जान, सर पर मेरे आपका है भारी एहसान, और बचाई जान है मेरी शुक्रिया तुमको परदेसी, बचाई जान है मेरी शुक्रिया तुमको परदेसी, बचाई जान है मेरी शुक्रिया तुमको परदेसी, जोड़ती हाथ हूँ, जोड़ती हाथ हूँ मैं अब यहाँ फिर नहीं आऊँ। सांप का दिया है दान जीवन का, न भूलूं एहसाप का, झुकाती शीश चरणों में, झुकाती शीश चरणों में आपके आज परदेसी, झुकाती शीश। बाबूजी, आपका लाख लाख धन्यवाद। देवी जी, जी आप एक कन्याकुमारी हैं और हमारे समक्ष अपना शीश झुकाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है बाबूजी। देवी जी, मैं क्षत्रिय हूँ हिंद का, मैं हिंद का हूँ। हिंद के हो जी? हाँ। और तुम? मैं भिंड का हूँ। तुम? हम जिंद के हैं। मैं छत्री हूँ हिंद का, यही हमारा कर्म, अबला की रक्षा करूँ, यही हमारा धर्म। देवी जी, और झुका वो न सर अपना, हो कन्याकुमारी झुका, झुका वो न सर अपना, हो कन्याकुमारी झुका वो न सर अपना।
अपना हो कन्याकुमारी, नजर खींच रही देख सूरत तुम्हारी, नजर करण नाम मेरा। करण? जी हाँ, करण करण। करण नाम मेरा, ये वतन है हमारा। करण नाम मेरा, ये वतन है हमारा। जो था फर्ज पूरा किया सुकुमारी, जो था। हमारा जो फर्ज था मैंने पूरा किया है। और हाँ, अब आप लोगों की जान बच गई है, आप लोग भी अपने वतन को जाइए जाइए, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। और मैंने पिताजी से वादा किया था कि सूर्यास्त होने से पहले हम अपने राजभवन में वापस आ जाएंगे। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जान मेरी बचाई बिपिन दरमिया, सारा जीवन तुम्ही पे मैं अर्पण करूं। मांग में मेरे सिंदूर भर दो अगर, तेरे चरणों की स्वामी पुजारन बनूं। मैं सच कहती हूँ बाबूजी। तुम इनके सिंदूर भरो और तुम दुजने हमारे सिंदूर भरो। तुम्हारा दिमाग सही है? अरे तू मर्द है, तेरे सिंदूर कहाँ भरा है? ये इनके भर सका, तुम हमारे नहीं भर सकते। अरे, अरे वो लड़की जात है, तू लड़का है। मैं लेडीज हूँ। तो कहा भा? तू जेंट्स है। सिंदूर तो सिंदूर, सिंदूर औरतें लगाती है, तुम कहाँ से लगाओगे? कौन सिंदूर लगाए हो? मैं मांग में। तुम मांग में लगाओगे? ये जो मोटा वाला लगाया है लाल लाल किला, तो मैं भी ये टिक्का लगाऊंगा। यानी कि मतलब तिलक लगवाना चाहते? इसका मतलब कि तुम इन दोनों से तिलक लगवाना चाहते? ये तुझे तिलक चढ़वाओ, ये बोलो तिलक तिलक लगवाओ। अरे पागल, तिलक चढ़वा? हाँ वही बात। काजल जी। जी बोलिए जी। इसका मतलब कि आप मुझे अपना पति बनाना चाहती हैं? हाँ बाबूजी। सुनिए काजल जी। जी बोलिए। बस गई तेरी सूरत है दिल दरमिया, जीवन साथी तुम्ही को बनाऊंगा मैं। क्या? खाके परमात्मा की कसम कह रहा, खाके परमात्मा की कसम कह रहा, अपने दिल से कभी ना भुलाऊंगा मैं। खाके परमा, खाके परमा तुमा की कसम कह रहा, खाके परमा तुमा की कसम कह रहा, अपने दिल से कभी ना भूलाऊंगा मैं। काजल जी। जी। ये तुम्हारी कौन है? ना पूछो तो मैं ठीक है। क्या यो? तुम मियाँ बीबी हो क्या? क्या हुआ भैया? अबे जब मियाँ बीबी होती तो उधर क्यों जाती हमारे पास? तुम्हारा दिमाग सही है? कौन है ये? तो मेरे कौन है? मियाँ बीबी नहीं हूँ मैं। ना बताओ, ना बताओ। ये मेरे भैया है पागल। ओ भैया है, हमारे भैया है। काजल जी के सामने इस तरह? काजल जी जरा इधर आओ। जी। ओ नो, क्या ये तुम्हारे भाई है? कहा बताओ, नहीं सारे घर यही है हम। तो क्या हुआ भैया, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाएगा। ये हमारी बहन है, भाई खड़ा है, बहन जूठी है। तो तुम मेरे सगे भाई थोड़ी ना हो? हाँ सगे भाई नहीं, हम बाजार वाले हैं। काजल जी तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अब, जो तुम कर रहे हो सब देख रहे हैं। हाँ? हाँ, जाते ही तुम्हारे भैया से सब बता देंगे। तुम मेरे भैया से बताओगे? लेकिन तुम्हें मैं ऐसा फंसाऊंगी कि जाल में जान में से निकल नहीं सकते हो। हम तो मनौते हैं कि उधर छोड़ो इधर जुटो। अरे तुम कैसे भाई हो यार? ठीक है ठीक है, मैं भैया से यही शिकायत करूंगी कि तुम मेरी इज्जत से खेलना चाहते हो। क्या मजाक कर रहे हो?
तुम मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे। कब हम तुमसे मजाक नहीं की ना, हम तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। ये बात अगर मेरी बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, अगर बता दो बताओगे मेरी बात तो मैं झूठ फूट तुम्हें तो फंसा दूंगी। अरे भाई, उल्टा खुद ही फंसा दिया यार, तुम हमारे सामने करोगे और तुम्हारे भैया से नहीं बताऊंगा। कसो अरे फिर जब अरे सबके इतना के एक को बहन है ओके इतना के अरे यार हमारे लोग के इतना थोड़ी बहन है गुलेलागंज में है। ये बताओ यार, इन लोगों का मामला फिट हो गया। अरे क्या करी हो, चलो ये बिरदू जी ने हिया फिट करे, हम तुम चली नहरिया फिट करी। भैया नमस्ते, जाइए वाली दीदी लगी रहो हम काका। चलो चलो तुमका वही बरुआ पुल के नहरिया पलाई। प्यारे भैया है ना, तो तुम हमारी बहन बहन हाँ और ये ये आ? ये तुम्हारे जीजा। ओ मेहमान है वाले, मेहमान तुम्हारी बहन। ओ मेहमान, गाली नहीं देना, लग गई मेरी ची, लग गई यार रिश्तेदार। अब तक तो ये हमका लहावन रहे हैं, अब रिश्तेदार हो गए चुप्पे रहो यार। अभी से शुरू कर दिया। एक मिनट, हमारा रिश्ता तुमने पूछ लिया, हम इनके भाई हैं और तुम, और ये बताओ ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? वो मेरे चाचा जी हैं। ये चाचा है? वो चाचा जी हूँ। दुपट्टा ओढ़ लियो, ससुर है। ओह नो, मैं क्या? और ये मेरे भाई हैं। तुमका तो यार अंधा हो जाए कि जब ससुर समान चाचा हो तो तुम देख रहे हो। हम देखित नहीं ना, खाली निहारी थे। हाँ, और ये मेरे भाई हैं। भाई यानी तुम हमारे? हाँ समझ जाओ, तुम हमारे। हाँ, हाँ, समझ लो। चलो तुम दोनों को मैं बताता हूँ कि हम तुम्हारे। चलो फिर हम चलो तुम्हारे। चलो तुमको वही बरुआ पुल पर समोसा खवा के लहाई थे। कहा भोला खिया। हाँ, चलो फिर चलो भोला खिया। चलो तुमका काजल जी। जी बोलिए। थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था यार जब तुमने अपना भाई बताया तो। क्यों डर गए? अरे मैंने कहा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि अभी उल्टा हो जाए गेम। अरे ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। फिर मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या मामला था, लेकिन मेरा सगा भाई नहीं है। इसीलिए वो तुमसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। क्यों? और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। राजे अपना आलम सारा खो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। मेरा एतबार है तेरे लिए तो मेरी जान सार है। आ गले लगा लूं तुझ बाहों में लुका लूं, राजे अपना आलम सारा खो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। करण इधर देखिए, करण वहाँ क्या क्या देख रहे हो? करण क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बोलिए ना। काजल हाँ, इस बेचारी को देखिए, तब तक पहाड़ा भाई भगवान भी। ये पागल कहाँ से आ गई? इंसान के ऊपर ना जाने कैसे कैसे मुसीबतें डाल देते हैं। मैंने जान भट्टा मार काजल जी, जल्दी जल्दी इस बेचारी के एक एक शब्द मेरे दिल को छू रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इनसे हमारा बहुत गहरा संबंध हो। ये क्या कर रहे हो करण?
इससे तुम्हारा रिश्ता क्या हो सकता है? आप एक सम्राट के बेटे हैं, एक महाराज के बेटे हैं, और आपका रिश्ता इस पागल से कैसे हो सकता है? काजल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक सम्राट का बेटा हूँ, फिर इससे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? लेकिन लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे हैं। काजल जी, जी हम इनसे सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। मैं उनके पास तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं काजल, नहीं, तुम इधर आइए। काजल मेरी बात मानो, मैं सिर्फ इस बेचारी से दो बातें करना चाहता हूँ। हाँ काजल, अगर आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, बात कर लीजिए, लेकिन दूर से बात करना। हमारा दिमाग खराब हो जाए यार, जानो बहन, तीन रोज बीत गए, चौथा वाला बीता ही वाला है। बहन द टेल टेल टू नॉट, हम तो इसे प्यार ना कर बैठे, हम प्यार बहन मेरी बात तो सुनो, बहन बहन मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बहन। बहन हाँ। बहन बहन मेरी तरफ देखो, ये तुम झूठ खाने खा रही हो। बहन ये लो पैसे, और आप किसी होटल पर जाकर अगर ये पैसा दोगी तो तुम्हें पेट भर भोजन मिलेगा। जैसे बैलंडी हो भैया, खाना लिए मन तो बता। बहन मेरी बात सुनो, बहन ये लो इसे पकड़ो, इसे ले लो बहन, इसे लो, इसे ले लो। और हाँ बहन, इसे मुझे दे दो, मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर में पन्नी नहीं है, मुझे दे दो बहन। बहन दे दो, आज के बाद तुम मुझे प्रतिदिन इसी जगह पर मिलना, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आया करूंगा। इसे फेंकना मत बहन, ठीक है? और हाँ आप यहीं पर रहना, ठीक है? आप यहीं पर हमेशा प्रतिदिन इसी जगह पर आया करो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा बहन, ठीक है? करण लगता अब हमें चलना चाहिए। कत्ता नीक लगा थी तुम्हारा, नीक लगा था वो। चलिए करण, चलिए चलिए। हमका पैसा दही के चला गा वहाँ अपन हर रोग तौरान। हे बैलनिया, ये का वाल है बैलनिया? हे बैलनिया, पैसा है रे, पैसा है? अरे बैलंडी ये कागज आया कहाँ, तुमका पैसा आया? पैसा अरे हम घर बनाना। हे बैलनिया, अरे कागज आ नकली नोट चूरन वाली को दईगा है का? एक बेटा उन्ना रोवा रहन पैसा दी सम कर रोवत रहा। हां ये का हमका दे दे बैलनिया, ये असली ना है नकली आ, तुमका दे के चला के बैलान बना के ही दे हिमा बुढ़ाउना टकला हवई ना। ये ये बुढ़ाउना टकला चूरन वाली नोट आ तुमका देगा बैलान समझ क्या सम्मा लगाए बुढ़ाऊ, ये पैसा पावत खुदै धई लिए, खुदै धई लिए का हमका दे दे, हमका फूटू दिए। हाँ एक हमका दे दे। हे बैलनिया चल तो एक हम रसगुल्ला खवा लाई, ले लियो तुम। हाँ एक हम ले ले, चल तो एक हमारा रसगुल्ला खवाई, ले लियो। आपकी है पकड़ ली ना, आपकी पकड़ लिया भाई, का वा पकड़ ली है, पकड़ ली ना रे। हाँ पकड़ ली ना, बार बार काट खा दिया मैं। ए बैलनिया के जुओ चुआ थी का? हे बैलनिया चल हुआ तो का रसगुल्ला खवा लाई, न चलिए का रसगुल्ला नहीं क्या बहन जी की पंजीरी खाएगी, पंजीरी का चल चल आओ तो का रसगुल्ला खवा लाई। हम ना जा तुम्हें, तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाए। अरे ये बैलन जी ने तुम इतना घुमाए हो ना, मार मांगते हैं हमें तुलान का, उन्हें तुमका घुमा मार के भागा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पापा आपसे कुछ कहने के लिए आए हूँ,
क्या कहना चाहती हो बेटी? पिताजी मेरी आप से एक छोटी सी अरदास, पिताजी मेरी आप से एक छोटी सी अरदास, सैर करन जाऊं चमन दिल में जागी आस। पापा मैं सैर करने जाना चाहती हूँ। बेटी तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? हाँ पापा। जाओ बेटी, हम तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। अच्छी बात पापा, शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगी महल। जाओ बेटी। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मंत्री कुंदन सिंह महाराज, हमारी बेटी पूनम वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन, तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। क्या महाराज? और मैं चल रहा हूँ। चलिए सिपाही। हाँ, तूने कुछ देखा? देखा तो रहन साहेब। सिपाही हाँ, आज राजकुमारी पूनम को मैंने राज दरबार में पहली बार देखा। पहली बार देखा? हाँ। अच्छा सिपाही, राजकुमारी पूनम को जब से मैंने देखा हमारे दिल को चैन नहीं है। हाँ यार। और राजकुमारी पूनम इस वक्त चमन की सैर करने जा रही है। है और मौका अच्छा है। क्या उसी चमन में चलते हैं और राजकुमारी से प्यार भरी बातें करते हैं, क्योंकि मौका अच्छा है। लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। आओ मेरी साथ। अब ये नरक कुंड के रास्ता पकड़े हैं, चल रहे हैं राजकुमारी के पास और हम भी चल रहे हैं राजकुमारी के पास मजा लेने। कहना है अरे बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया, याद रखोगे कि भूल जाओगे